हेलो एवरीवन, जैसे कि आप लोग जानते हैं मेरा नाम है सोनू कुमार और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आज के क्लास में। ठीक है, आज का क्लास होने वाला कंपैरिजन बेस पजल के ऊपर, यानी आज हम देखेंगे कंपैरिजन बेस पजल का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देखेंगे और बेसिक कुछ क्वेश्चन देखने वाले हैं, तो क्लास बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है गाइस। ठीक है, और इसके अलावा मैं बता दूं कि मैं क्लैट बैंक SSC इन सारे एग्जामिनेशन को प्रिपरेशन करवाता हूँ, और ये कुछ क्रेडेंशियल है मेरे बारे में जो कि आप लोग देख सकते हैं। जैसे कि मेरे पास 4 ईयर टाइम का एक्सपीरियंस है, प्लस ये 6 6 मंथ का अनअकैडमी एंड वाईफाई स्टडी पे पढ़ाने का भी एक्सपीरियंस है, तो अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। और ये जो मैंने मेंटर किया है 5000+ हो चुका है, ये 6000+ हो चुका है, तो मतलब बहुत सारे बच्चे उसके बाद ही मेंटर के मैंने कर रहा हूँ लगातार। क्या 2020 मैंने करीब 95% स्कोर किया था और इस बार अप्रोक्सीमेटली 98% मैंने स्कोर किया। ठीक है, तो चलिए ऐसा करते हैं, क्लास को शुरू करते हैं बिना डिले किए हुए। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बता दूं कि अगर कोई क्लैट एज इंस्टीट्यूट को ऑफलाइन या ऑनलाइन मोड में, या फिर ऑनलाइन मोड में ज्वाइन करना चाहते हैं, वो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। यहां पर नंबर दिया गया, इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं हम लोग। एक मिनट गाइस, तो चलिए क्लास को अब लोग शुरू करते हैं और लेते हैं, सीखते हैं कंपैरिजन का कॉन्सेप्ट। तो कंपैरिजन की हम लोग बात करते हैं, तो कंपैरिजन होता क्या है सबसे पहले ये जान लेते हैं। कंपैरिजन और कुछ नहीं, तो किसी दो ऐसे क्वांटिटी को जिसमें जिससे कुछ यूनिट हो, कुछ मेजरमेंट यूनिट हो, उसी चीज को हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। यानी क्वांटिटी भी क्वांटिटी की बात कर रहे हो, जैसे हाइट हो सकता है, वेट हो सकता है, समझ रहे हैं? हाइट हो सकता है, वेट हो सकता है, साथ में आपका क्या हो सकता है, किसी रैंक को हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, लेंथ को कंपेयर कर सकते हैं, समझ रहे हैं? यानी जिसका कुछ मेजरमेंट यूनिट हो, हम लोग उसी को कंपेयर कर सकते हैं। इस बात को दिमाग में अच्छे से हम लोग क्या कर लेंगे, बैठा लेंगे। ठीक है, और इसी तरीके की चीजों को हम लोग क्या करने वाले हैं, कंपैरिजन के ऊपर देखने वाले हैं, एक्सेट्रा में डालता हूँ ETC। अब बात यह होता है कि ठीक है सर, हम लोग हाइट वेट रैंक को कंपैरिजन करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो प्रॉब्लम क्या है, बनाएंगे कैसे, सॉल्व कैसे करेंगे, मेथड क्या होगा सॉल्व करने का, ये क्वेश्चन बनता है। तो मेथड की बात करते हैं कंपैरिजन को सॉल्व करने का। जो मेथड होता है, दो तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं। एक होता है हमारा क्या, सिंबॉलिक मेथड, और दूसरा क्या होता है, रैंकिंग मेथड। यानी एक वैसे मेथड होता है जिसमें हम लोग सिंबल को यूज करके सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, दूसरा क्या होता है, रैंकिंग मेथड, यानी रैंक देकर सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन फिर अगेन उठता है, सिंबॉलिक करने का मतलब क्या सर, सिंबॉलिक करने का मतलब क्या, ये सिंबल ग्रेटर देन का, अगर हम सपोज कीजिए किसी का हाइट ही कंपेयर कर रहे हैं 3 पर्सन का, ए बी सी का, और बोलता है ए का हाइट सबसे ज्यादा है, तो ए सबसे ज्यादा हो गया, फिर बी का हाइट है एंड देन सी का है, तो ये कंपेरिजन हो गया, समझ रहे? उसी तरीके से रैंकिंग की बात करेंगे, तो 1 2 3 रैंक मैंने कर दिया, ए का हाइट से जा रहा है तो ए टॉप पे जाएगा, फिर बी का रैंक आएगा तो बी सेकंड नंबर पे जाएगा, सी क्या आ जाएगा, लिस्ट हाइट वाला हो जाएगा, समझ रहे हैं? टॉलर की बात कर रहे हैं हम लोग। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते, कंपेरिजन कर सकते हैं, एक रैंकिंग के बेस पे और एक सिंबॉलिक मेथड के बेस पे। हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों मेथड के ऊपर क्वेश्चन देखेंगे, और रैंकिंग के ऊपर एक क्वेश्चन देखेंगे, बाकी सारा क्वेश्चन हम सिंबॉलिक से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो लेते हैं हमारा पहला क्वेश्चन, ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, उससे पहले, क्वेश्चन लेने से पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप लोगों को दे देता हूं। देखिए यहां पर लिखा है सम इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन क्या, तो कुछ स्टेटमेंट ऐसे होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, ट्रिगर स्टेटमेंट। ट्रिगर स्टेटमेंट क्या होता है, तो वैसे स्टेटमेंट जिसका कंक्लूजन क्या हो, फिक्स हो, जिसमें हमको किसी भी प्रकार का कोई डाउट ना रहे, समझ रहे? मतलब वैसे ही स्टेटमेंट जिसको पढ़ने से हम एक ऐसा कंक्लूजन निकाल लें जिसमें पॉसिबिलिटी की बात ही ना हो, वो कंफर्म हो जाए, दिस टाइप ऑफ स्टेटमेंट आर कॉल्ड ट्रिगर स्टेटमेंट। फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ है ए इज टॉलर देन ओनली बी, इसका मतलब क्या, कि अगर हम 5 पर्सन का हम लोग क्या हाइट का कंपेयर कर रहे हैं, 5 पर्सन विच इज ए बी सी डी एंड डी, ये स्टेटमेंट क्या बोलता है, ए इज टॉलर देन ओनली बी, यानी ए जो है टॉलर में सिर्फ बी से बड़ा है, बाकी सबसे क्या है, छोटा है, तो ये फिक्स कंक्लूजन है, इसमें कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई पॉसिबिलिटी नहीं बन रहा है,
जैसे अगर सिंपल इसी स्टेटमेंट में ओनली को हम हटा दें और बोलते हैं ए इज टॉलर देन बी, तो भाई यहाँ 1 2 3 4 5 बन रहा है, ए इज टॉलर देन बी, बी यहाँ है तो ए यहाँ भी हो सकता है, ए यहाँ भी हो सकता है, सिर्फ टॉलर बोला है ना, कितना बड़ा आई डोंट नो, बट जब हम ओनली लगाते हैं तो ये फिक्स करता है कि ए जस्ट टॉलर हो जाएगा बी से, क्योंकि ए इज टॉलर देन ओनली बी, ए सिर्फ केवल बी से टॉल है, बाकी सबसे क्या है छोटा है, समझ रहे हैं? तो ये ओनली की वजह से क्या हो गया, ये स्टेटमेंट ट्रिगर स्टेटमेंट हो गया। ठीक उसी तरीके से ए इज शॉर्टर देन ओनली बी, ए जो होगा सिर्फ बी से छोटा होगा, तो भाई सिंपल बोले हैं कि ए जो होगा सिर्फ और सिर्फ बी से छोटा होगा, इसका मतलब ए जो होगा बाकी सबसे क्या होगा बड़ा होगा, और 5% की हम लोग बात करते तो कुछ इस तरह का अरेंजमेंट हो जाएगा, ये भी हमारा क्या है फिक्स है। सेम उसी तरीके से ओनली 1% इज टॉलर देन ए, ए से सिर्फ एक ही पर्सन बड़ा है, तो 1 2 3 4 5 कर रहे हैं तो ए से सिर्फ एक ही पर्सन बड़ा है, तो वो पर्सन कौन होगा यहाँ पे जो बैठेगा, यानी ये हो जाएगा ए, बाकी सब क्या होगा छोटा हो जाएगा। तो इस तरह का जो स्टेटमेंट होता है दैट इज कॉल्ड ट्रिगर स्टेटमेंट। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ए इज शॉर्टर देन एटलीस्ट 2 पर्सन। अब ये जो है ना ये ट्रिगर स्टेटमेंट नहीं है, ए जो बोला है ए इज शॉर्टर देन एटलीस्ट 2 पर्सन, अब जब देखिए 1 2 3 4 5 एटलीस्ट 2 पर्सन, तो ए एटलीस्ट 2 पर्सन यहाँ हो गया, ए यहाँ भी हो सकता है और ए यहाँ भी हो सकता है, कम से कम 2 पर्सन तो बोला है ना, ज्यादा सबसे छोटा हो सकता है, एटलीस्ट कम से कम संभावना है कि ए जो होगा 2% छोटा होगा, बट उससे ज्यादा से भी तो हो सकता है ना, तो इसीलिए ये जो स्टेटमेंट होगा ट्रिगर स्टेटमेंट नहीं होगा। तो याद रखेंगे ट्रिगर स्टेटमेंट क्या होता है, जिसका कंक्लूजन फिक्स हो, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई पॉसिबिलिटीज की बात ना हो। कंपैरिजन में इस टाइप का स्टेटमेंट को ढूंढना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर ऐसा स्टेटमेंट मिलता है तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाता है, नहीं मिला तो कोई बात नहीं, पॉसिबिलिटी पे तो चेक करेंगे ही, सॉल्व करेंगे ही। ठीक है, तो चलिए मूव करते हैं आगे, क्लास को आगे फॉरवर्ड करते हैं और लेते हैं पहला क्वेश्चन। ये पहला क्वेश्चन है और मैं आप लोग को टाइमिंग दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ ये 5 मिनट का वॉच दिख रहा है बट मैं आपको 2 मिनट का समय दूंगा, कितने मिनट का, सिर्फ 2 मिनट का। एक मिनट गाइस, की ओर बढ़ रहा है। चलिए समय आप लोग समाप्त हो गया, अब हम लोग क्या करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। देखिए क्या लिखा हुआ है, 6 पर्सन पी क्यू आर एस टी एंड यू कंपेयरिंग देयर हाइट, ये लोग अपना हाइट क्या कर रहा है कंपेयर कर रहा है, लिखा क्या है पी इज टॉलर देन एस, पी क्या है टॉलर है किससे एस से, कुछ ऐसे 6 पर्सन थे हमारे पास, 1 2 3 4 5 6, हम लोग क्या कर रहे हैं सिंबॉलिक कर रहे हैं कुछ इस तरीके से,
हम लोग को सिंपल एक इंफॉर्मेशन है, पी इज टॉलर देन एस बट शॉर्टर देन यू, बट यू से छोटा है, बट कितना छोटा आई डोंट नो। इन दोनों के बीच में गैप में कोई पर्सन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है, इतना दिमाग में रखेंगे। फिर लिखा हुआ आर इज शॉर्टर देन टी, आर के बारे में बोला कि आर इज शॉर्टर देन टी एंड टॉलर देन क्यू, और ये क्या क्यू से बड़ा है, क्यू हु इज टॉलर देन यू, और क्यू के बारे में क्या मालूम चला, क्यू जो यू से बड़ा है। जब क्यू यू से बड़ा हो गया, देखिए तो इस ग्रुप में आपको मालूम चलेगा क्या, क्यू यू से बड़ा है, यू हमारे को मालूम है पी से बड़ा है, और पी किससे बड़ा है, एस से बड़ा है, कि 6 पर्सन नहीं हो गए, 1 2 3 4 5 6 पर्सन हो गए ना, यही 6 पर्सन के बारे में बात कर रहे थे ना। देखो 6 को 6 पर्सन क्या हो गए, एक रो में अरेंज हो गए, और हमको मालूम चलेगा क्या कि टी बींग द टॉलेस्ट एंड कौन है हमारा, एस बींग द स्मॉलेस्ट, समझ रहे हैं? अब इसकी बात शॉर्टेस्ट हम लोग बोल सकते हैं, स्मॉलेस्ट नहीं शॉर्टेस्ट बोल सकते हैं। क्वेश्चन पूछा हु अमंग देम इज द शॉर्टेस्ट, शॉर्टेस्ट कौन है हमारा, एस है, दैट मींस ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, समझ गए, बहुत अच्छे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बार ट्राई कीजिए, अगेन टाइमर चल चुका है, इस बार भी मैं आप लोग को 2 मिनट का समय दे रहा हूँ, एक बार ट्राई कीजिए, जैसे ही इस वॉच पे 3 मिनट पे आया घड़ी, हम लोग क्या करेंगे टाइमर को बंद कर देंगे, ठीक है, चलिए सॉल्व कीजिए। तो इस बार आपका समय सीमा समाप्ति की ओर बढ़ रहा है, उसके बाद बस 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 17 सेकंड और, चलिए कम ऑन जल्दी सॉल्व कर दीजिए। अब समय आप लोगों का समाप्त होने वाला ही है, चलिए आपका समय समाप्त हो गया, चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं, लेट्स सी क्या दिया गया है। लिखा गया 6 बॉय बी डी जी एम आर एन एस आर कंपेयरिंग देयर मार्क्स, ये क्या कर रहे हैं, अपने मार्क्स को कंपेयर कर रहे हैं। नो 2 बॉयज स्कोर द सेम मार्क्स, कोई भी 2 पर्सन क्या है सेम मार्क्स स्कोर नहीं किया। वी हैव द फ्लोइंग इन्फॉर्मेशन अबाउट देयर मार्क्स, हम लोगों के पास इन्फॉर्मेशन है, फ्लोइंग इन्फॉर्मेशन है क्या, अबाउट देयर मार्क्स, उनके मार्क्स के बारे में। चलिए पहला इन्फॉर्मेशन क्या लिखा हुआ है वो देख लेते हैं। लिखा हुआ है एम स्कोर 66 मार्क्स विच इज द सेकेंड लीस्ट मार्क्स, चलिए 6 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 लोग हैं, ठीक है, जिसमें हम लोग को मालूम क्या चला, मालूम ये चला कि एम स्कोर 66 मार्क्स विच इज सेकेंड लिस्ट मार्क्स, तो सेकेंड लिस्ट मार्क्स यही होगा ना एम, जो कितना स्कोर किया 66 मार्क्स स्कोर किया है कि नहीं। नाउ सेकेंड डी स्कोर मोर मार्क्स देन आर, हम लोग को मालूम क्या चल रहा है कि डी ने आर से अधिक स्कोर किया है, एंड 2 अदर पर्सन ओनली, और 2 अदर पर्सन ओनली यानी कि डी ने 3 लोगों से ज्यादा मार्क्स स्कोर किया है, तो 1 2 3 डी चला जाएगा यहाँ, यहाँ आप देख क्या लगा दिया ओनली लगा दिया है। बट आर डिड नॉट स्कोर द लीस्ट मार्क्स, आर जो लीस्ट मार्क्स स्कोर नहीं किया है, डेट मीन्स आर यहाँ पे नहीं होगा, आर का पोजिशन कहाँ हो जाएगा, डी और एम के बीच में, बहुत अच्छे वेरी गुड। नाउ थर्ड की बात करते, एस स्कोर लेस मार्क देन जी, एस ने क्या किया है जी से कम मार्क्स स्कोर किया है, बट मोर मार्क्स देन बी, लेकिन बी से अधिक मार्क्स स्कोर किया है, तो यहाँ पे 3 प्लेस खाली है,
जिसे मालूम है कि जी ने एस से ज्यादा स्कोर किया है। तो भाई जी कंफर्म यहाँ चला गया, एस कंफर्म यहाँ चला गया, एंड बी कंफर्म यहाँ चला गया। तो ये हो गया मार्क्स हमारा फिक्स। अब इसी के बेस पे क्वेश्चन, मैंने ये फिक्स कर दिया ना, सोल्यूशन हो चुका है, अब क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट कुड बी, कुड बी का मतलब यहां जब कुड बी आता है तो ये क्या बताता है, पॉसिबिलिटी को बताता है। किस चीज को बताता है, पॉसिबिलिटी को। तो व्हाट कुड बी द मार्क्स ऑफ डी, डी का मार्क्स क्या हो सकता है। तो आपको मालूम है कि डी जो है एम से ज्यादा मार्क्स लेके आया है, यानी डी का मार्क्स 66 मार्क्स से तो अधिक ही होने वाला है। तो डी का मार्क्स 66 होगा, नहीं 60 होगा, नहीं 64 होगा, नहीं कुड बी 70 मार्क्स। समझ रहे हैं, आई होप अच्छे समझ रहे होंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर टू की बात कर लेते हैं। हाउ मेनी बॉयज स्कोर लेस मार्क्स देन एस, कितने ऐसे बॉयज हैं जिन्होंने लेस मार्क्स देन एस स्कोर किया, एस से कम बट मोर देन एम, एस से कम बट मोर देन एम, कितने लोग हैं, दो लोग हैं, विच इज डी एंड आर। देन आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। समझ गए, इजी है, अच्छे समझ में आ रहा है, बहुत अच्छे समझ में आ रहा है। तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलेंगे, समझ रहे हैं ना बात, लाइक एंड शेयर ठोकते रहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग की स्क्रीन के ऊपर सॉल्व कीजिए। अगेन यू हैव 2 मिनट्स गाइस। अभी जितना भी क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, कैसा क्वेश्चन कर रहे हैं, इजी क्वेश्चन कर रहे हैं, और सब के सब सिंबॉलिक वे में कर रहे हैं। देखते हैं फिर रैंक वाला भी क्वेश्चन करेंगे, रैंक लाने के लिए। चुका है, लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन गाइस। ओके लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। नहीं, क्या लिखा हुआ था, फोर स्टूडेंट ए बी एन एस आर द टॉप फोर रैंकर इन फिजिक्स एज वेल एज इन केमिस्ट्री, यही 4% टॉप फोर रैंकर है। नो टू पर्सन गॉट द सेम रैंक इन एनी सब्जेक्ट, किसी भी दो पर्सन का सेम रैंक नहीं होने वाला है। लेट्स सपोज कि ए यहां पे फिजिक्स में 1 पे है तो केमिस्ट्री में ए 1 पे नहीं होगा, ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे, यही इंफॉर्मेशन बोला है। चलिए जी ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्या बोला है क्वेश्चन, नो पर्सन गॉट द सेम रैंक इन बोथ द सब्जेक्ट, कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जिसको, ठीक है सेम ही चीज है। वी नो द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग देयर मार्क्स, और उनके मार्क्स के रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन हम लोगों को पता है। पहला इन्फॉर्मेशन, बी गॉट द फोर्थ रैंक इन केमिस्ट्री, बी को फोर्थ रैंक आया केमिस्ट्री में, ठीक है, यानी बी को फिजिक्स में फोर्थ रैंक नहीं आएगा, समझ रहे हैं। बट The sum of the rank of B is not the highest. B का rank का sum highest नहीं होने वाला है। तो highest कहने का मतलब क्या? कि B का rank जो होगा 4+3 नहीं हो सकता है। 4+4 तो ऐसे भी नहीं होगा। 4+3 कितना होता है? 7 आता है। Highest की 7 नहीं complete होगा। यानी 7 किसी और का होगा। 4+3 किसी और का हो सकता है। ये B का rank 4+2 6 हो सकता है। 4+1 5 हो सकता है। ठीक है? Highest नहीं होने वाला है। चलिए जी। इन फिजिक्स ए गॉट बेटर रैंक देन बी,
ए के पास बेटर रैंक है बी से, तो बी कहाँ हो सकता है, थ्री पे तो हो नहीं सकता है, फोर पे हो नहीं सकता है, तो बी कहाँ पे जाएगा, टू पे जाएगा, और ए कहाँ जाएगा, ए पे जाएगा, समझ रहे। थ्री हो जाता तो सेवन हो जाता ना, फोर फोर का तो ऑप्शन है नहीं हमारे पास, किसी भी एक पर्सन को फोर फोर तो आने वाला है नहीं, यानी किसी को मैक्सिमम जो पॉइंट मिल सकता है ना, मैक्सिमम नंबर आ सकता है रैंक का सम हो सकता है, वो कितना हो सकता है, सेवन हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता है रैंक का सम। ठीक है, बी गॉट बेटर रैंक देन, ए गॉट बेटर रैंक देन बी, एंड एन गॉट बेटर रैंक देन एस, और एन के पास क्या बेटर रैंक है एस की तुलना में, तो एन यहाँ चल जाएगा, एस यहाँ चला जाएगा। अब इन तीनों की बात कर रहे हैं हम लोग, को यहाँ पे फिक्स कर लेना है यहाँ पे कौन हो जाएगा, तो क्योंकि बी यहाँ जा चुका है, बी यहाँ गया, ए की बात करें, ए यहाँ नहीं हो सकता, ए यहाँ हो सकता है, या फिर ए यहाँ हो सकता है, ठीक है। लेकिन एक ही ध्यान रखिएगा, क्योंकि बी को हमने क्या किया है, बी यहाँ पुट किया है और टू पे बी को पुट किया है, यानी कि बी का दोनों रैंक का सम कितना हो जा रहा है, फोर प्लस टू कितना हो जा रहा है, सिक्स हो जा रहा है, यानी कोई एक पर्सन ऐसा होगा, कोई एक पर्सन ऐसा होगा जो इस कॉम्बिनेशन में आएगा, फोर प्लस थ्री सेवन, तभी तो जाकर बी का रैंक का सम हाईएस्ट नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि एस अगर फोर पे है तो एसी का रैंक क्या हो सकता है, सात आ सकता है, दैट मींस ये कहां चल जाएगा, एस कहां चला जाएगा, थ्री पे जाएगा, तब जाके कितना हो जाएगा, सात, चार तीन सात, तब जाके ये कंडीशन जस्टिफाई करेगा क्या, द सम ऑफ द रैंक ऑफ बी इज नॉट द हाईएस्ट, तभी जाके जस्टिफाई करेगा। और ए के बारे में मालूम चला कि ए तो यहां हो नहीं सकता, यानी कि दिस इज ए, एंड ये कंफर्म क्या हो जाएगा हमारा, एन, एंड डन, क्वेश्चन क्या हो गया हमारा, सॉल्व हो गया। अब इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन नंबर वन, हु गॉट फर्स्ट रैंक इन केमिस्ट्री, फर्स्ट रैंक इन केमिस्ट्री किसके पास है, एन के पास है, एन का मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। हु गॉट सेकेंड रैंक इन केमिस्ट्री, सेकेंड रैंक केमिस्ट्री में किसके पास है, ए के पास है, दैट मींस ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। हु गॉट थर्ड रैंक इन केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में थर्ड रैंक किसके पास है जी, एस के पास है, दैट मींस ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। समझ गए, यही था वो क्वेश्चन, देख रहे हैं रैंकिंग वाइज, इसको हमने सिंबॉलिक नहीं रिप्रेजेंट सॉल्व नहीं किया है, इसको हमने क्या किस मेथड से सॉल्व किया है, रैंकिंग वाले मेथड से सॉल्व किया है। एक और क्वेश्चन देते हैं रैंकिंग वाला, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आप लोग को यहाँ देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जल्दी से पहले क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, मैंने टाइमर शुरू कर दिया है, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप लोगों को मैं 3 मिनट का समय दे रहा हूँ, कितने का, चलिएगा जल्दी जल्दी सॉल्व कर दीजिए, 3 मिनट का समय आप लोग के पास है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए।
चार और डी फॉर धर्मेंद्र और ई फॉर एकता। चलिए समय समय समाप्त हुआ, हम क्या करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन गाइस। क्या लिखा हुआ था? देखिए यहाँ लिखा हुआ रैंक, वेयर रैंक इज कैटेगरी ऑफ एज वेट एंड हाइट इन डिसेंडिंग ऑर्डर सच दैट द टॉलेस्ट एंड द हैवीएस्ट एंड द एल्डेस्ट पर्सन गॉट द फर्स्ट रैंक। ठीक है जी, ऑब्वियस बात है, इन द रिस्पेक्टिव कैटेगरी एंड द शॉर्टेस्ट एंड द लाइटेस्ट एंड द यंगेस्ट गॉट द फिफ्थ रैंक इन देयर रिस्पेक्टिव कैटेगरी। ठीक है जी, नो टू पर्सन आर ऑफ द सेम वेट हाइट और एज। कोई भी दो पर्सन सेम एज और हाइट का नहीं है, सब अलग अलग होने वाला है। नो पर्सन गॉट द सेम रैंक इन एनी टू कैटेगरी, कोई भी एक पर्सन का सेम रैंक नहीं होने वाला किसी भी दो कैटेगरी में। ठीक है, फर्दर वी नो दैट, कहने का मतलब कि हर बार सब अलग अलग होने वाले, सफर होने वाले। पहला इंफॉर्मेशन, नीदर अरविंद नॉर एकता गॉट द फर्स्ट रैंक इन एनी कैटेगरी। यहाँ पे अरविंद नहीं होगा ना ही एकता होगी। ठीक है, एकता और अरविंद फर्स्ट रैंक नहीं लेंगे किसी भी कैटेगरी में। पहला इंफॉर्मेशन, नीदर अरविंद नॉर एकता गॉट द फर्स्ट रैंक इन एनी कैटेगरी। दूसरा इंफॉर्मेशन क्या बोलता है? एकता डिड नॉट गॉट थर्ड रैंक इन एनी कैटेगरी। एकता के लिए थर्ड रैंक भी नहीं बना हुआ है, यानी हमारे पास तीन कैटेगरी है, हाइट, वेट एंड एज, तो एकता के लिए नंबर क्या बच गया? एकता ऑब्वियसली टू पे हो सकती है, फोर पे हो सकती है और फाइव पे हो सकती है, क्योंकि एकता के लिए हमने वन और थ्री तो कट कर दिया ऑलरेडी। ठीक है, यानी एकता किसी एक कैटेगरी में सेकेंड रैंक पे होगी, किसी एक कैटेगरी में फोर्थ रैंक पे होगी, किसी एक कैटेगरी में फिफ्थ रैंक पे होगी। ठीक है जी, थर्ड इंफॉर्मेशन, द पर्सन हु गॉट फिफ्थ रैंक इन हाइट, हाइट की बात करें जो फिफ्थ रैंक है, यानी यहाँ पर लेट्स सपोज कोई एक्स पर्सन है, गॉट थर्ड रैंक इन एज, और यही एक्स पर्सन कहाँ जाएगा? यहाँ पे जाएगा, यानी एकता का हाइट में फिफ्थ रैंक नहीं होने वाला है, यानी यहाँ पे भी एकता इस वाले केस में एकता यहाँ नहीं होगी, समझ रहे हैं? क्योंकि एकता यहाँ गई तो थर्ड नंबर पे एकता चली जाएगी, विच इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि हमने एकता का थर्ड रैंक ऑलरेडी कट किया है। ठीक है, यानी यहाँ एकता नहीं होगी, यानी फिफ्थ रैंक एकता किस में हो सकता है? या तो फिर वेट में या तो फिर एज में। चलिए जी, बहुत अच्छे। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन नंबर क्या है हमारा? फोर, अरविंद इज टॉलर देन चारू। हम लोग बात कर रहे हैं हाइट में, हम लोग बात कर रहे हैं हाइट में, अरविंद इज टॉलर देन चारू बट यंगर देन बीरेंद्र, बट बीरेंद्र से क्या है? यंगर है अरविंद जो है, ठीक है, हम लोग हाइट नहीं, ओल्डर है ना अरविंद, एज में बात कर रहे हैं, सॉरी हम लोग किससे बात कर रहे हैं? एज में बात कर रहे हैं कि अरविंद जो है ओल्डर है किससे? चारू से, बट धर्मेंद्र से क्या है? यंगर है एज में यहाँ पे। ठीक है जी, और अरविंद टॉप पे होने वाला है नहीं वैसे भी। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन नंबर नीदर बीरेंद्र नॉर धर्मेंद्र गॉट फिफ्थ रैंक इन एनी कैटेगरी। यहाँ पे बीरेंद्र नहीं हो सकता, धर्मेंद्र नहीं हो सकता, ठीक है, फिफ्थ रैंक नहीं होने वाला है। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन नंबर सिक्स, द पर्सन हु गॉट फर्स्ट रैंक इन वेट, वेट में जिसका फर्स्ट रैंक, सपोज कोई पर्सन है वाई, द पर्सन हु गॉट फर्स्ट रैंक इन वेट गॉट थर्ड रैंक इन हाइट, हाइट में थर्ड रैंक आने वाला है, यानी यहाँ पे वही पर्सन हो जाएगा वाई। ठीक है, ठीक है जी, देखते हैं, यानी वेट में आपको मालूम चल गया कि फर्स्ट रैंक पे वैसे भी नहीं होने वाला, लेट्स सी क्या होने वाला, आगे देखते हैं हम लोग। ओके जी, बट इतना मालूम चला कि यहाँ पे अरविंद नहीं हो सकता है हाइट में, हाइट में अरविंद यहाँ पे नहीं हो सकता है। ठीक है, बीरेंद्र इज शॉर्टर देन चारू, हाइट की बात कर रहे हैं हम लोग, हाइट की बात कर रहे हैं, बीरेंद्र इज शॉर्टर देन चारू बट टॉलर देन अरविंद एंड धर्मेंद्र, बट टॉलर देन अरविंद और धर्मेंद्र किस चीज में? हाइट में, हाइट में को मालूम चल रहा है कि चारू से बीरेंद्र छोटा बट अरविंद धर्मेंद्र दोनों से बड़ा है, तो जब ध्यान देंगे तो आपको मालूम क्या चलेगा, यही पे आंसर आपको दिख जाएगा क्या, कि धर्मेंद्र जो है फिफ्थ पे तो होगा नहीं, एंड धर्मेंद्र यहाँ हो गया। अगर धर्मेंद्र यहाँ हो जाएगा, जब ध्यान दीजिएगा, धर्मेंद्र अगर यहाँ जाएगा तो हमको मालूम चला कि ए यहाँ बैठा दिए, सी और बी तो फिक्स हो गया हमारा, ए यहाँ गया, जैसे ही हम ए यहाँ बैठाएंगे ए कहाँ चला जाएगा? यहाँ चल जाएगा, विच इज नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि ए यहाँ पे हमने क्या किया, कट किया। तो आपको एक बात तो समझ में आ गया, क्या समझ में आया? कि ए जो है यहाँ नहीं होने वाला है, ठीक है, ए यहाँ नहीं होने वाला है। यहाँ पे हम एकता को भी नहीं बैठा सकते हैं, यानी कि ये कन्फर्म धर्मेंद्र हो गया, एकता नीचे जाएगी नहीं, यहाँ पे एकता मैंने कट किया है, यानी ये कौन हो जाएगा? कन्फर्म अरविंद हो जाएगा, और ये कन्फर्म कौन जाएगी? एकता हो जाएगी, समझ रहे? क्योंकि थर्ड नंबर पे हाइट में धर्मेंद्र गया है, तो यहां पे भी कौन जाएगा? धर्मेंद्र ही जाएगा, समझ रहे? वाई वाई इक्वल,
समझ रहे ना बात। ये हो गया हमारा किसमें, वेट में, धर्म में, तो यहाँ पे चला गया। और एज में हम लोग मान लो बीसी, और ये जो समथिंग एकता का पोजिशन फिफ्थ और सेकंड बाकी है, एकता का पोजिशन फिफ्थ और सेकंड बाकी है। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। बीरेंद्र इज शॉर्टर देन चारू बट टॉलर देन रविंद्र, ये हमने क्या कर लिया, फिक्स कर लिया, हाइट तो हमने फिक्स कर लिया। फिर लिखा हुआ है क्या हमारे पास, बीरेंद्र इज लाइटर देन चारू, बीरेंद्र जो होगा चारू से लाइटर होगा, बट हेवियर देन अरविंद, बट हेवियर देन अरविंद। तो अरविंद ऑलरेडी 4-5 पे जा चुका है और यहाँ पर डी ऑलरेडी फिक्स हो चुका है। तो आपको मालूम चल गया होगा इस वाले केस में, कि अरविंद 5th नंबर पे जाएगा, नहीं, नहीं इसका मतलब अरविंद 4th नंबर पे जाएगा। तो ये कंफर्म बी हो जाएगा, ये कंफर्म सी हो जाएगा, यानी एकता कहाँ चली जाएगी यहाँ पे, वेट में कहाँ चली जाएगी, 5th नंबर पे। तो एकता को हमने 4th पे बैठा लिया, 5th पे बैठा लिया, यानी एकता 2nd नंबर पे क्या पे जाएगी, एज में। दिस इज कम कौन, एकता, ये एकता है। अब जरा देखिए, क्योंकि 5th नंबर पे ए गया था यहाँ पे किसमें, हाइट में, तो ए कहाँ जाएगा, यहाँ पे जाएगा, क्योंकि एक्स और एक्स क्या होना था, सेम होना था एज में और हाइट में, ठीक है, ये हो गया। और हम लोग को मालूम था एज के अंदर कि बीरेंद्र जो है एकता, सॉरी अरविंद से क्या है, ओल्डर है, तो बीरेंद्र कहाँ चल जाएगा, टॉप पे, बीरेंद्र कहाँ चल जाएगा, टॉप पे। चारू की बात करें तो चारू को हमको यहां बैठाना है। अच्छा, बीरेंद्र इज लाइटर देन चारू बट हेवियर देन अरविंद। अब हमारे पास ये दो जगह बाकी है जिसमें हम लोग बैठाना है किसको, धर्मेंद्र को और चारू को, जबकि क्योंकि हमको मालूम था कि धर्मेंद्र को 5वां रैंक किसी भी कैटेगरी में नहीं मिलेगा, तो धर्मेंद्र यहाँ पे हो नहीं सकता, धर्मेंद्र यहाँ बैठेगा, चारू यहाँ बैठेगी, यानी कि दिस बिकेम आवर अरेंजमेंट। समझ रहे हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा, अरेंजमेंट। और इसी के बेस पे क्वेश्चन हम बनाएंगे जो कि नेक्स्ट स्लाइड पे है, यहाँ पे। दिस इज द क्वेश्चन गाइस, लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन नाउ। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हु इज सेकेंड ओल्डेस्ट पर्सन, सेकेंड ओल्डेस्ट पर्सन कौन है, सेकेंड ओल्डेस्ट पर्सन, ओल्डेस्ट का मतलब एज की बात करें, कौन है सेकेंड ओल्डेस्ट पर्सन, ई फॉर एकता, एकता का मतलब ऑप्शन नंबर ए। हु इज द लाइटेस्ट पर्सन, लाइटेस्ट का मतलब किसमें, वेट की बात कर रहे हैं, तो लाइटेस्ट पर्सन कौन है हमारा, अगेन एकता है, वेट में है ना, यानी आंसर विल बी एकता अगेन। हु अमंग द फॉलोइंग डिड नॉट गेट द 4th रैंक इन एनी कैटेगरी, कौन है इनमें से जिनको 4th रैंक नहीं मिला किसी कैटेगरी में, अरविंद, धर्मेंद्र, एकता, बीरेंद्र। तो अरविंद 4th में है, एकता भी है, धर्मेंद्र भी 4th कैटेगरी में, 4th वाले कैटेगरी में एकता भी है, अरविंद भी है और धर्मेंद्र भी है, तो बच कौन जाता है, 1 पर्सन, और वो 1 पर्सन कौन है हमारा, वो 1 पर्सन है बीरेंद्र। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। बीरेंद्र का रैंक देखिएगा तो बीरेंद्र को रैंक मिला है 2nd, बीरेंद्र को रैंक मिला थर्ड, और बीरेंद्र को रैंक मिला क्या, 1st, 4th रैंक किसी में नहीं मिला है। समझ रहे हैं, तो ये भी सोल्यूशन हो गया, किसके बेस हमने सॉल्व किया, रैंक के बेस पे सॉल्व किया। आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा आप लोग को। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, दिस द क्वेश्चन गाइस, सॉल्व कीजिए, और आपका समय शुरू हो चुका है। इसके लिए भी मैं आप लोगों को 3 मिनट का समय दे रहा हूँ, इस घड़ी में 2 पे जैसे ही क्लॉक जाएगा मैं क्या करूँगा, घड़ी को स्टॉप करूंगा, इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे। जल्दी से एक बार आप लोग ट्राई करें, सॉल्व करें, फिर डिस्कस करते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को। चलिए सॉल्व करते हैं।
क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन के यहाँ पे दिख रहा होगा। चलिए क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर लेता हूँ। यह फोर बॉयज ए बी सी डी एंड फोर गर्ल एक्स डब्ल्यू एक्स वाई जेड कंपेयर देयर हाइट। इट इज फाउंड दैट देयर आर टू बॉयज ईच ऑफ हुम इज टॉलर देन एग्जैक्टली टू गर्ल। ठीक है जी, सब लोग एक साथ कंपेयर करेंगे, चार और चार आठ लोग कंपेयर करें अपने हाइट को गाइस, आठ लोग यानी एक दो तीन चार पांच छ सात आठ, ऐसे कुछ होने वाला है। इंफॉर्मेशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, मे बी, देखते हैं पहला इंफॉर्मेशन क्या लिखा हुआ है। इट इज फाउंड दैट देर आर टू बॉयज ईच ऑफ हुम इज टॉलर देन एग्जैक्टली टू गर्ल। दो लड़के ऐसे हैं, टू बॉयज ऐसे हैं जो दो गर्ल से क्या है, टू गर्ल से क्या है, टॉलर है। सिमिलरली देर आर टू गर्ल ऐसी हैं ईच ऑफ हुम इज टॉलर देन एग्जैक्टली टू बॉयज, जो कि सिर्फ दो बॉयज से बड़ी है, यानी बाकी सारी दोनों गर्ल जो है वो क्या है, बाकी सारे लड़के से छोटी हैं। बस यही है हमारे पास। देखते हैं, चार बॉय चार गर्ल थे हमारे पास, लेट्स सी। ऑल्सो इट इज नोन दैट बी इज टॉलर देन डब्ल्यू। हम लोग को मालूम क्या चला कि बी जो है टॉलर है किसे, डब्ल्यू से। ए बी सी डी है हमारा बॉयज और ये डब्ल्यू से, ठीक है जी, बॉय हो गया। इट इज ऑल्सो नोन दैट बी इज टॉलर देन डब्ल्यू। डब्ल्यू हु इज टॉलर देन ए, डब्ल्यू जो है ए से बड़ा है, ठीक है जी। ए हु इज टॉलर देन एक्स, ए जो है किसे बड़ा है, एक्स से बड़ा है, ठीक है। वाई इज टॉलर देन एक्स और वाई जो है हमारा क्या, टॉलर देन एक्स है, ठीक है। बट शॉर्टर देन डी, बट डी से क्या है, छोटा है। देखिएगा डी जो है एग्जैक्टली टू गर्ल से बड़ी हो गई, यहाँ बी जो है एग्जैक्टली टू गर्ल से बड़ी हो जा रही है। देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है, कैसे फिक्स कर लेना है। बट शॉर्टर देन डी, ठीक है। डी हु इज शॉर्टर देन जेड, डी जो है क्या है, जेड से छोटा है। जेड हु इज नॉट एज टॉल एज सी, यानी कि जेड जो होगा सी से छोटा हो जाएगा। सी हु इज टॉलर देन बी और सी जो है हमारा वो बी से बड़ा है, सी जो हमारा बी से बड़ा है। तो यहाँ पे देखिए एक दो तीन चार पांच लोग यहाँ, अच्छा कितने लोग हैं, एक दो तीन चार पांच लोग यहाँ हैं, एक दो तीन चार पांच लोग यहाँ हैं, एक कॉमन दोनों में, तो भी सी भी कॉमन दोनों में, तो चार चार लोग हमारे पास दिख चुके हैं। अब इसको कुछ इस तरीके से वहां लिखना है जिससे कि ये कंडीशन क्या हो जाए, जस्टिफाइड हो जाए, जिससे कि ये कंडीशन क्या हो जाए, जस्टिफाइड हो जाए। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, हम लोग को मालूम चल रहा है कि एक से W A और ये भी बड़ा है और एक से ये भी लोग बड़ा है, तो हमारे पास ऑप्शन क्या है केसेस बनाने का। तो ऑप्शन एक ये है हमारे पास, क्या कि हम लोग इसको फिक्स करना है, इसको एग्जैक्टली दो ही बॉय होगा जो दो गर्ल से बड़ा होगा, ये लिखा होता ना। इट इज फाउंड दैट देयर आर टू बॉयज ईच ऑफ हुम इज टॉलर देन एग्जैक्टली टू गर्ल, और दोनों को दोनों एग्जैक्टली टू गर्ल से बड़ी है, बड़ा है। तो यहाँ पे देखिएगा डी को, देखिएगा डी एग्जैक्टली टू से बड़ा है, तो अगर हम इसको ऐसे लिखें डी वाई एंड एक्स, दो बॉयज की बात करें, ए भी हमारा बॉय था, ए बॉय हो गया, तो ये दो बॉयज ऐसे हैं जो एग्जैक्टली टू गर्ल से बड़ी हो गए, बड़े हो गए। अब ये दो कौन है हमारे, बॉयज है, हमको दो गर्ल चाहिए। अब क्या चाहिए, दो गर्ल चाहिए, गर्ल में क्या हो जाएगी, एक एक हो जाएगी जेड, एक हो जाएगी जेड जो कि डी से बड़ी है, हमने वाई को फिक्स कर लिया, एक्स को फिक्स कर, जेड क्या हो, डी से बड़ा होगी, बड़ी हो गई। साथ में एक से क्या, डब्ल्यू, बी के बारे में नहीं पता ना, डब्ल्यू, देखिए जेड और डब्ल्यू जो है एग्जैक्टली ये दो गर्ल है जो एग्जैक्टली दो बॉय से बड़े हैं, हो गया ना बराबर, और इसमें ये सब जस्टिफाई करेगा। अब हमारे पास क्या है कि बी को बैठाना, तो बी और हमको बैठाना है किसमें, बी और सी बैठाना है, सी और बी बड़ा है ना, तो ये हो जाएगा सी और ये हो जाएगा बी। अब देखिए, तो ये एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ परसेंट जस्टिफाइड है, जिसमें सिर्फ दो बॉय ऐसे हैं जो एग्जैक्टली टू गर्ल से बड़ी हैं, दो गर्ल ऐसी हैं जो एग्जैक्टली टू बॉय से बड़े हैं, है ना, और बाकी सब तो एज इट इज है ही हमारे पास, यानी कि दिस इज आवर सोल्यूशन। समझ में आया, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था बट ठीक है, मजा आया। एक बार हम लोग क्वेश्चन को पढ़ के जस्टिफाई कर लेते हैं कि क्या जो हमने पढ़ा वो जस्टिफाइड हो रहा है या नहीं, जो हमने बनाया वो सही है या गलत है।
ये क्या लिखा हुआ, ऑल्सो इट इज नोन दैट बी इज टॉर देन डब्ल्यू, बी इज टॉर देन डब्ल्यू है यहां पे, डब्ल्यू हु इज टॉर देन ए, डब्ल्यू जो ए से बड़ा है जस्टिफाइड है, ए हु इज टॉर देन एक्स, ए जो होगा एक्स से बड़ा होगा, जस्टिफाइड हो गया, क्लियर यहां तक। अब आए क्या लिखा हुआ है, वाई इज टॉर देन एक्स, वाई इज टॉर देन एक्स है बट शॉर्टर देन डी, डी से छोटा भी है, डी हु इज शॉर्टर देन जेड, डी जो होगा जेड से छोटा है क्योंकि जेड आगे लिखा गया है, जेड हु इज नॉट एज टॉल एज सी, जेड अगेन सी से जा सी जितना क्या टॉल नहीं है, डेट मीन सी से छोटा है, देखिए सी यहाँ गया है, सी हु इज टॉलर देन बी, और सी जो बी से बड़ा है, यानी कि दिस इज आवर फाइनल अरेंजमेंट। और इसी के बेस हम लोग क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन तो आप लोग स्क्रीन के ऊपर ही है, मैं इसको इरेज करता हूँ, ठीक है, और पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन बी फॉल्स, कौन सा स्टेटमेंट जो फॉल्स हो सकता है, पहला द शॉर्टेस्ट अमंग द गर्ल इज एक्स, ट्रू है ना जी, फॉल्स नहीं हो सकता है, द शॉर्टेस्ट अमंग द बॉय इज ए, नहीं कर सकते हैं। अच्छा एक चीज और, हम लोग को ये नहीं मालूम था ना कि ए और डी के बारे में, ए हु इज शॉर्टर देन एक्स, वाई इज शॉर्टर देन एक्स बट शॉर्टर देन डी, देखिए यहां से ए और डी का पोजिशन हम लोग चेंज कर सकते हैं, ए और डी का पोजिशन क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोग को पता नहीं है कि ये पोजिशन क्या है। देखिए मैं आपको समझाता हूँ इस चीज को, मैं आपको समझा देता हूँ, अच्छे समझिएगा, देखिए एक मिनट, ये क्या लिखा हुआ है, इट इज नोन दैट बी शॉर्टर देन डब्ल्यू, बी शॉर्टर देन डब्ल्यू, डब्ल्यू हु इज शॉर्टर देन ए, डब्ल्यू हु इज शॉर्टर देन ए, ए हु इज शॉर्टर देन एक्स, ए हु इज शॉर्टर देन एक्स, ए जो एक्स से बड़ा है, फिर मानता है कि वाई इज शॉर्टर देन एक्स, वाई इज शॉर्टर देन एक्स बट शॉर्टर देन डी, बट शॉर्टर देन डी, ठीक है, डी हु इज शॉर्टर देन जेड, डी जो है जेड से छोटा है, जेड हु इज एज टॉल एज सी, नॉट एज टॉल एज सी, ठीक है, एंड सी इज शॉर्टर देन डी। तो इसमें देखिएगा ए और डी के बारे में ये मेंशन नहीं किया कि ए डी से बड़ा है, डी ए से बड़ा है, तो हम लोग यहाँ पे ए और डी के पोजीशन को क्या कर सकते हैं, इंटरचेंज भी कर सकते हैं, ठीक है, हम लोग क्या कर सकते हैं, इंटरचेंज भी कर सकते हैं, यानी डी को हम यहाँ रखें और ए को यहाँ रखें तो भी ये सारे के सारे दोनों के क्या है, जस्टिफाइड है, समझ रहे बात। सेम उसी तरीके से हमारे पास क्या था, दो गर्ल की बात कर रहे थे ना, दो गर्ल कौन, जेड और डब्ल्यू और जेड, देखिए ध्यान से W जो है हमारा, अच्छा ये हमारा क्या था, B था, दिस वन इज B, जेड से ओके, दिस वन इज B, दिस वन इज B ना, D हु इज शॉर्टर देन जेड, नहीं D, दिस वन इज D, एक मिनट, एक मिनट गाइस, ये B नहीं था, ये D था हमारा, दिस वन इज D, ये लिखा हुआ था, Y इज शॉर्टर देन X बट शॉर्टर देन डी, हु इज शॉर्टर देन जेड, ठीक है, और ये हमारा बी था, हम लोग मालूम क्या चल रहा था, डी और जेड की बात कर रहे हैं, डब्ल्यू और जेड की बात कर रहे हैं, डब्ल्यू ए से बड़ा है, ठीक है जी, बी से छोटा है, हम लोग को ये दिमाग में रखना है ए से बड़ा बी से छोटा होना चाहिए, जेड जो है डी से बड़ा है सी से छोटा है, तो डब्ल्यू और जेड का भी पोजिशन हम लोग क्या कर सकते हैं, इंटर चेंज कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, अगर जेड यहाँ लिखे डब्ल्यू यहाँ लिखे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, समझ रहे हैं, क्योंकि हम लोग को मालूम था सिंपल है कि जेड जो डी वाई एक्स से बड़ा होना चाहिए, जेड जो है डी वाई एक्स से बड़ा है, और डब्ल्यू के बारे में मालूम था कि डब्ल्यू जो ए और एक्स से बड़ा होना चाहिए, डब्ल्यू जो ए और एक्स से बड़ा है, ए यहाँ एक्स से बड़ा है, ठीक है, यानी कि ये पोजिशन भी इंटरचेंज किया जा सकता है। अब बट लेकिन सी और बी वाला पोजिशन फिक्स रहा है कि बी जो है डब्ल्यू से बड़ा था, समझ रहे हैं बात, बी डब्ल्यू से बड़ा हो गया तो ये रहेगा ऐसे ही, तो इसके बेस पे अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। द शॉर्टेस्ट गर्ल अमंग द गर्ल इज एक्स इज ट्रू, ये तो गलत नहीं हो सकता है, यहाँ कैन भी लगा हुआ है, द शॉर्टेस्ट अमंग द बॉय इज ए, ये कैन भी फॉल्स हो सकता है, द टॉलेस्ट अमंग द बॉय इज सी, सी तो ये सही है, द टॉलेस्ट अमंग द गर्ल इज इधर डब्ल्यू और जेड, तो गर्ल में डब्ल्यू और जेड में से ही कोई टॉलेस्ट हो सकती है ना, दिस वन इज ऑल्सो करेक्ट, तो गलत कौन हो सकता है, ए, ये वाला शॉर्टेस्ट अमंग द बॉय इज क्या, ए, जरूरी थोड़ी है डी भी तो हो सकता है शॉर्टेस्ट अमंग द बॉय ना, डी भी हो सकता है ना, आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के बेस पे,
मैं क्या करता हूँ, सारे इन्फॉर्मेशन को यहाँ लिखता हूँ क्या क्या था। सी ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन डब्ल्यू स्लैश जेड, डब्ल्यू स्लैश जेड, एक मिनट, डब्ल्यू स्लैश जेड ग्रेटर देन जेड स्लैश डब्ल्यू ग्रेटर देन, और हमारे पास क्या था नेक्स्ट, क्या था, ये कर लिया ए और डी वाला केस, एंड देन वाई एक्स, ए स्लैश डी ग्रेटर देन डी स्लैश ए ग्रेटर देन वाई और ग्रेटर देन एक्स, दिस इज आवर सोल्यूशन। यही था हमारा सोल्यूशन। अब क्वेश्चन नंबर टू की बात कर लेते हैं। लिखा हुआ इफ डब्ल्यू इज स्मॉलर देन जेड, अगर डब्ल्यू जेड से बड़ा होता, ऐसा वाला केस होता, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज डेफिनेटली नॉट ट्रू। तो कौन सा है जो स्टेटमेंट इज नॉट डेफिनेटली ट्रू, कौन सा डेफिनेटली ट्रू नहीं होता। एक से शॉर्टेस्ट, शॉर्टेस्ट अमंग ऑल, ये तो सही है। बी हमारे पास यह है, बी इज सेकेंड टॉलेस्ट, बी इज सेकेंड टॉलेस्ट एंड वाई इज सेकेंड शॉर्टेस्ट, ये तो भी कंफर्म सही है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा हमारा। डब्ल्यू इज द थर्ड टॉलेस्ट, डब्ल्यू इज द थर्ड टॉलेस्ट एंड डी इज द थर्ड शॉर्टेस्ट, ये वाला जो कंफर्म है कि सही नहीं है, इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते ना। जेड इज टॉलर देन 4%, जेड इज टॉलर देन 4%, एक दो तीन चार, तो जेड टॉलर होता 4% से, ये वाला केस क्या होता हमारा गलत हो जाता है। दैट मींस दिस इज आवर करेक्ट आंसर। क्यों, क्योंकि देखो डब्ल्यू इज थर्ड टॉलेस्ट, डब्ल्यू इज थर्ड टॉलेस्ट तो हो जाता, लेकिन डी इज द थर्ड शॉर्टेस्ट पर्सन, जरूरी थोड़ी यहाँ ए भी तो हो सकता था ना, ए और डी के बारे में हम कुछ नहीं कर सकते, यानी ये जो स्टेटमेंट है डेफिनेटली ट्रू नहीं होता, प्रोबेबली ट्रू होता, क्या होता, प्रोबेबली ट्रू होता, डेफिनेटली ट्रू नहीं होता, दैट मींस दिस वन इज करेक्ट, एंड ऑप्शन नंबर सी इज आवर करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर थ्री की बात कर लेते हैं। इफ डी इज शॉर्टर देन ए, अगर डी जो होता ए से छोटा होता, यानी ए यहां होता डी यहां होता, इफ डी शॉर्टर देन ए देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन बी फॉल्स, तो कौन सा स्टेटमेंट जो होता फॉल्स हो सकता था। डब्ल्यू एंड जेड आर द टू गर्ल ईच ऑफ होम इज टॉलर देन एग्जैक्टली टू बॉयज, तो ये तो हम लोग को पता ही है ना, ये तो फॉल्स हो नहीं सकता, दिस इज कंफर्म, W एंड Z आर द टू गर्ल जो एग्जैक्टली टू बॉय से क्या है टॉलर है, ये तो सही है हमारा। फिर A एंड D आर द टू बॉयज ईच ऑफ हुम इज टॉलर देन एग्जैक्टली टू गर्ल, A एंड D आर द टू बॉयज एग्जैक्टली टू गर्ल, ये भी सही है हमारा, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, ये भी आंसर नहीं हो सकता है। D एंड X आर द शॉर्टेस्ट अमंग द बॉयज एंड द गर्ल रिस्पेक्टिवली, दिस इज ऑल्सो ट्रू, ये भी गलत हो जाएगा। W इज द टॉलेस्ट अमंग द गर्ल्स, ये कैन बी फॉल्स हो सकता है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये जो बोल रहा है डी यहाँ पे आ गया ना जी, तो शॉर्टेस्ट बॉयज हो गया ना, शॉर्टेस्ट गर्ल हो गई ना, तो ऑप्शन नंबर सी तो सही था, यानी आंसर हो नहीं सकता, इसलिए मैंने क्या कर दिया क्रॉस कर दिया, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि W इज अमंग द टॉलेस्ट गर्ल, कह नहीं सकते हैं, W जेड के बारे में पता नहीं है ना हमको, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर फोर की बात कर लेते हैं। Which choice among the following has the name of the shortest boy, ठीक है जी, and the tallest girl, respectively, shortest boy and tallest girl, given that D is taller than A, हम लोग को मालूम क्या चल रहा है कि D यहाँ होगा A यहाँ होगा, shortest boy क्या हो जाएगा हमारा, shortest boy तो A हो जाएगा हमारा, and the tallest girl कौन हो जाएगी, tallest girl के बारे में कुछ नहीं कर सकते हैं, टॉलेस्ट गर्ल के बारे में कुछ नहीं कर सकते, जेड और डब्ल्यू में से कुछ हो सकता है, नहीं ए के साथ, यहाँ पहले विच चॉइस अमंग द फ्लो, इनमें से कौन सा चॉइस जो ऐसा हो सकता है, तो हैज द नेम ऑफ द शॉर्टेस्ट बॉय दैट इज ए एंड द टॉलेस्ट गर्ल दैट इज डब्ल्यू और समथिंग होगा, तो ए के साथ एक्स तो होगा नहीं, सी और एक्स तो होगा नहीं, सी एंड जेड और डब्ल्यू, सी इज द नॉट द शॉर्टेस्ट बॉय, नो दिस इज दिस कैन नॉट बी द आंसर, ए यानी ऑप्शन नंबर डी ए हो सकता है, और टॉलेस्ट गर्ल की बात करें डब्ल्यू और जेड में से कोई एक हो सकता है, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आई होप आप लोग अच्छे से समझ में आ गया होगा, अगर अच्छे समझ में आ गया है तो वेरी गुड, नहीं समझ में आया है कोई बात नहीं, वीडियो को एक बार रिप्ले करके जरूर से जरूर देखें, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में,
और अगर आप चैनल पर नए हैं तो क्या करेंगे, चैनल पर नए हैं तो क्या करेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, एंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे। एंड याद रखिए गाइस, जरूरी नहीं है कि हर चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो, बट हो सकता है कि ये वीडियो किसी और आपके फ्रेंड को, आपके मित्र के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है? उनका भी बेनिफिट हो जाएगा। कंपैरिजन इज वन ऑफ द गुड चैप्टर जो आपको आना जरूरी है। बाकी बहुत सारे एग्जामिनेशन ये पूछा जाता है, ठीक है, इंक्लूडिंग ओलेट यानी अदर लॉ एग्जामिनेशन देते हैं हम लोग, अदर लॉ एंट्रेंस टेस्ट जो रहते हैं उसमें पजल से क्वेश्चन आते हैं, तो हो सकता है कंपैरिजन से क्वेश्चन आ जाए। बैंक के एग्जामिनेशन दे रहे हैं उनमें आ सकता है, मैट का एग्जामिनेशन दे रहे हैं उनमें आ सकता है, तो बहुत सारे एग्जामिनेशन है जिसमें ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप इस वीडियो को उन सभी को शेयर कर सकते हैं, चाहे वो बैंक के हो, मैट के हो, एसएससी के हो, क्लैट के हो, आईपीएम के हो, उन सब के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट हो सकता है, समझ रहे हैं? तो शेयर करना ना भूलें, आप शेयर कर दें, हो जिनको इंपॉर्टेंट हो वो देख लेंगे, समझ रहे हैं गाइज? तो चलिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अभी के लिए टाटा बाय एंड गुड नाइट, पढ़ते रहिए और साथ में एंजॉय भी करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।